की बीड़ी टॉयलेट ने हमारी दुनिया पर हमला कर दिया है। वेकेशन शुरू हो गया। आज बाबा के गांव घूमने में बहुत मजा आएगा। टपोरी, तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? वो बाबा अपुन रिक्शा वाले के उधर 200 रुपया हफ्ता वसूली करने गया था। उसने हफ्ता नहीं दिया तो उसकी रिक्शा उठा के आ गए अपुन। चलो सब लोग जल्दी से जीप में बैठ जाओ। तीनों बाबा और टपोरी जीप में बैठ जाते हैं। आज शहर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? लगता है आज सब लोग जल्दी सो गए ले। चीनू टीनू बाबा और टपोरी को नहीं पता था कि वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे। बाबा हम कब पहुंचेंगे? बस टीनू, अब कुछ ही देर में हम लोग मेरे घर पर पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर में वो लोग बाबा के घर पर पहुंच जाते हैं। ये देखो, मेरा घर आ गया। टीनू टीनू बाबा और टपोरी घर के अंदर चले जाते हैं। चलो सबसे पहले खाना खा लेते हैं। मैं तुम लोगों के लिए पिज्जा लेकर आया हूँ। अरे वाह, पिज्जा! चीनू टीनू बाबा और टपोरी टीवी देखते हुए खाना खाने लगते है। बीड़ी टॉयलेट ने हमारी दुनिया पर हमला कर दिया है। बीड़ी टॉयलेट ने पूरे शहर को तबाह कर दिया है। काफी सारे लोगों की जान भी चली गई है। बाप रे, बीड़ी टॉयलेट ने हमारी दुनिया पर हमला कर दिया है। अबे इससे टॉयलेट से क्या डरने का बीड़ो? इसके लिए तो अपुन अकेला ही काफी है। नहीं टपोरी, किबीडी टॉयलेट बहुत खतरनाक है। उनको मारना इतना आसान नहीं है। शायद किबीडी टॉयलेट हम लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या बकरे ले हो बाबा? आपका तो समझ में आता है, आपकी उम्र हो गई लिए, लेकिन अपुन के आगे तो पूरी जिंदगी पड़े लिए। अपुन की अभी तक शादी भी नहीं हुए लिए। अभी आप ही कुछ करो बाबा। तीनों टपोरी, तुम तीनों एक एक गन ले लो। जहाँ भी स्किबिडी टॉयलेट दिखे उन लोगों को खत्म कर देना। अब हमें ही इस दुनिया को स्किबिडी टॉयलेट से बचाना होगा।